हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको फिर से एक और नए डिज़ाइन का डोरमेट बताते हैं जो बनाने में बिल्कुल आसान है, जिसके लिए हमने सभी कलर, जो कलर हमारे पास बचे हुए होते हैं थोड़े थोड़े, सभी कलरों से आपको हम बता रहे हैं और ये बहुत ही आसान तरीके से आपको डोरमेट बताएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे उल्टी सिलाई हो चुकी है, जो हमने फंदा बढ़ाया था एक, वो भी हमारा ये देखिए, इसको हम इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ाया है और लास्ट के हमने दो फंदे छोड़े हैं। अब ये देखिए, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, पहला फंदा हमने उतार लिया है और धागा हम अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पे जो बड़ा हुआ फंदा है इसको हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, जो फंदे बढ़ते हुए जाएंगे उनको हम उल्टा बनाते हुए जाएंगे और धागा अपनी तरफ है। और देखिए ये हमारी जाली वाली फरी जा रही है, इसको हम यहीं पे एक फंदा बढ़ाएंगे और जाली भी डल जाएगी और फंदा भी हमारा बढ़ जाएगा और धागा अपनी तरफ। अब यहाँ पर हम दो सिलाइयाँ उल्टी बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, अब ये दो सिलाइयाँ हमने उल्टी बनानी है। ये देखिए इस तरह से, जिस तरह से हम उल्टा बनाते हैं उसी तरह से हमने दो सिलाइयाँ हैं उल्टी बनानी है। दो फंदे फिर से छोड़ने हैं हमने। तो यहाँ पे मैं फिर से दो फंदे, ये देखिए दो फंदे मैं फिर से छोड़ देती हूँ। चार फंदे हम छोड़ चुके हैं, यहीं से वापस हो जाएंगे, उल्टी सिलाई को उल्टा ही बनाएंगे। तो यहाँ पे बना के कंप्लीट करते हैं दूसरी सिलाई और फिर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे उल्टी सिलाई हो चुकी है, जो हमने फंदा बढ़ाया था एक, वो भी हमारा ये देखिए, इसको हम इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ाया है और लास्ट के हमने दो फंदे छोड़े हैं। अब ये देखिए, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, पहला फंदा हमने उतार लिया है और धागा हम अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर जो बड़ा हुआ फंदा है इसको हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, जो फंदे बढ़ते हुए जाएंगे उनको हम उल्टा बनाते हुए जाएंगे और धागा अपनी तरफ है। और देखिए ये हमारी जाली वाली फरी जा रही है, इसको हम यहीं पे एक फंदा बढ़ाएंगे और जाली भी डल जाएगी और फंदा भी हमारा बढ़ जाएगा और धागा अपनी तरफ। अब यहाँ पे हम दो सिलाइयाँ उल्टी बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, अब ये दो सिलाइयाँ हमने उल्टी बनानी है। ये देखिए इस तरह से, जिस तरह से हम उल्टा बनाते हैं उसी तरह से हमने दो सिलाइयाँ हैं उल्टी बनानी है। दो फंदे फिर से छोड़ने हैं हमने। तो यहाँ पे मैं फिर से दो फंदे, ये देखिए दो फंदे मैं फिर से छोड़ देती हूँ। चार फंदे हम छोड़ चुके हैं, यहीं से वापस हो जाएंगे
उल्टी सिलाई को उल्टा ही बनाएंगे। तो यहाँ पे बना के कंप्लीट करते हैं दूसरी सिलाई और फिर दिखाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे उल्टी सिलाई हो चुकी है। अब ये देखिए यहाँ पे फिर से हम दो फंदे बढ़ चुके हैं, दोनों फंदों को उल्टा बनाएंगे इस तरह से। और ये देखिए यहाँ पे हम ये जाली इसी तरह से बना लेंगे, फंदा बढ़ गया है और जाली भी डल गई है। ये देखिए इस तरह से धागा अपनी तरफ करके फिर से हम दूसरी सिलाई उल्टी बनाएंगे और फिर से हम दो फंदे लास्ट के छोड़ेंगे। बहुत इजी है ये, बहुत ही सिंपल है, बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगता है और सभी कलर में आप इसको बना सकते हैं और एक कलर में, दो कलर में, इस तरह से जैसा भी आपको ठीक लगे आप उस तरह से इसको बना सकते हैं और आप इसे किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने दो फंदे फिर से छोड़ दिए हैं, यहाँ पे छह फंदे हम छोड़ चुके हैं और यहीं से वापस हो जाएंगे। इसे आप टेबल मैट की जगह या डोर मैट की जगह या पूजा आसन की जगह, ये देखिए किसी भी तरह से तो उल्टी सिलाई को कंप्लीट करते हैं। मैं आपको लास्ट का बता रही हूँ, 12 फंदे हमने छोड़ दिए हैं यानी यहाँ पे दो दो करके। ये देखिए यहाँ पे हम 13 फंदे बढ़ा चुके हैं। ये देखिए 13वां फंदा हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए तो यहाँ पे ये देखिए सभी फंदे हम छोड़ दिए हैं यानी कि 26 फंदे हमने, ये देखिए दो दो करके सभी फंदे मैंने यहाँ पे छोड़ दिए हैं दो दो करके इस तरह से। ये देखिए एक सिलाई पे हमने जाली बनाई हुई है, दो सिलाइयाँ हमने इसी तरह से बनाई हैं, फिर दो एक सिलाई पे जाली, दो सिलाइयाँ उल्टी। अब ये देखिए हम यहीं से वापस हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से उल्टी सिलाई को यहाँ पे बना के कंप्लीट करेंगे। मैं आपको लास्ट का बता रही हूँ, 12 फंदे हमने छोड़ दिए हैं यानी कि यहाँ पे दो दो करके। ये देखिए यहाँ पे हम 13 फंदे बढ़ा चुके हैं। ये देखिए 13वां फंदा हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए तो यहाँ पे ये देखिए सभी फंदे हम छोड़ दिए हैं यानी कि 26 फंदे हमने, ये देखिए दो दो करके सभी फंदे मैंने यहाँ पे छोड़ दिए हैं दो दो करके इस तरह से। ये देखिए एक सिलाई पे हमने जाली बनाई हुई है, दो सिलाइयाँ हमने इसी तरह से बनाई हैं, फिर दो एक सिलाई पे जाली, दो सिलाइयाँ उल्टी। अब ये देखिए हम यहीं से वापस हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से उल्टी सिलाई को यहाँ पे बना के कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमने दो दो करके 13 फंदे छोड़े हुए हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यहाँ पे मैंने 13 फंदे छोड़ दिए हैं और 13 फंदे ही मैंने बढ़ा लिए हैं। अगर आपने कम फंदे बढ़ाने हैं तो आप कम फंदे भी बढ़ा सकती हो। तो यहाँ पे ये देखिए हम 13 फंदे घटाएंगे इस तरह से। ये पत्ती हमारी बनके कंप्लीट है। यहाँ पे ये देखिए मैं इस तरह से जो बढ़ाए हुए फंदे हैं सभी को मैं यहाँ पे बंद करूँगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
दस, ग्यारह, बारह और ये तेरह। ये देखिए 13 फंदे, और यहाँ पे ज़्यादा गैप दिख रहा है, हम दूसरे फंदे के साथ यहाँ पे फंदा उठा के इसको इस तरह से बना लेंगे। जो फंदे हमने छोड़े हुए हैं सभी को हम बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए 13 फंदे यहाँ पे हमने घटा के सभी फंदे हम बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए जो दो दो फंदे करके हमने छोड़े हुए हैं सभी को हम बना लेंगे यहाँ पे। ये देखिए पूरी सिलाई इसी तरह से बनाते हुए चले जाएंगे। ये देखिए ये देखिए यहाँ पे हमारी ये पत्ती बनके कंप्लीट है इस तरह से। ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रही है। अब हमने पूरी सिलाई इसी तरह से बना ली है। अब यहीं से हम इसमें दूसरा कलर लगा देंगे इस तरह से, जो भी आपको पसंद है इस तरह से आप दूसरा कलर लगा के उल्टी सिलाई को बनाते हुए। और यहाँ पे ये देखिए दोबारा आप उसी तरह से सिलाई को बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इसी तरह से आधा डोरमेट बना के 5 पत्तियाँ कंप्लीट करते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 5 पत्तियाँ बना ली हैं। देखिए इसी तरह से 5 कलरों से आप इसी तरह से इसमें 12 पत्तियाँ बना के कंप्लीट करोगी। ये देखिए पूरा डोरमेट इसी तरह से बनेगा और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है और बनाने में बिल्कुल आसान है। ये देखिए ये देखिए 5 पत्तियाँ हमने इसमें बनाई हैं। पूरा डोरमेट इसी तरह से बनके कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए और ये बहुत आसान तरीके से बनके कंप्लीट है। ये देखिए तो मैं आपको इसमें 5 पत्तियाँ ही बता रही हूँ। तो आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।